लगा दिया। तो देखिए ऑटो में है, वो सप्लाई आना शुरू हो चुकी है। अब सप्लाई ऑटो में आ चुकी है, हमने न्यूट्रल फेस ऑटो में लगाया है और अब हमको क्या करना है, स्विच की तरफ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एम के टेक्निकल 01 यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपको मैं बताने वाला हूँ सिंगल फेस स्टार्टर के अंदर सिंगल फेस ऑटो स्विच कैसे लगाते हैं, वही आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मेरे पास ये सिंगल फेस का ऑटो स्विच है, ये मैं आपको लगाकर दिखाने वाला हूँ। मैंने ऑटो स्विच को बाहर निकाल लिया है और ऑटो स्विच के अंदर हमें टोटल 6 वायर मिलते हैं, PN, C1, C2 और S1, S2 आप देख सकते हैं, और ये माइनस, इसमें कोई हमको वायर नहीं लगाना। तो पहले हम इसमें वायर है वो कनेक्ट कर लेते हैं, हमको टोटल 6 वायर कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने सभी वायर है वो ऑटो में कनेक्ट कर लिए हैं और अब हम लगाते हैं स्टार्ट के अंदर। तो मैं इसका ढक्कन है वो खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हम पावर के वायर जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर है न्यूट्रल और फेस, ये दोनों वायर है। तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो दो न्यूट्रल और फेस है ये दोनों वायर हमको यहाँ पे लगा देने। तो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने न्यूट्रल और फेस दोनों कनेक्ट कर लिया है और आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखिए न्यूट्रल और फेस हमको यहाँ पर कनेक्ट कर देना, जो स्टार्टर में हम न्यूट्रल और फेस लगाते हैं वहाँ पर हमें इस वायर को कनेक्ट कर देना है। दोनों वायर को मैंने कनेक्ट कर दिया। अब हमारे पास जो वायर बचा है C1 और C2 और S1 S2, अब ये दोनों, ये चारों वायर हमको कहाँ पे लगाने हैं, हमको लगाने हैं इनको स्विच के अंदर। ये जो ग्रीन स्विच है इसमें हमको लगाने हैं ये वायर। इस स्विच में लगाने से पहले हमें एक बात का ध्यान होना चाहिए, इसमें कंडेंसर के वायर होते हैं, एक कंडेंसर का वायर होता है, एक रिले का वायर होता है। तो रिले वाले पे वायर पे हमें कौन सा लगाना है और कंडेंसर वाले पे कौन सा लगाना है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टर में सप्लाई देकर आप अच्छे से चेक कर सकते हो या फिर आप दोनों वायर को शॉर्ट करके देख सकते हो। तो हम पावर लगाते हैं और फिर देखते हैं। तो अब मैं पावर में लगा कर आपको एक बार चेक करा देता हूँ। तो यहाँ पर पावर में मैं लगा दिया। तो देखिए ऑटो में है वो सप्लाई आना शुरू हो चुकी है। अब सप्लाई ऑटो में आ चुकी है, हमने न्यूट्रल फेस ऑटो में लगाया है और अब हमको क्या करना है, स्विच की तरफ आना है और यहाँ से हमको देखना है दो वायर को आपस में शॉर्ट करके। तो हमको क्या करना है, पहले हमको इस तरह से देख लेना है। तो ये देखिए अभी जो कॉन्टेक्टर है वो नहीं ऑन हुआ है और ये देखिए कॉन्टेक्टर ऑन हो चुका है। अब इन पर कौन सा वायर लगाना है, ऑटो की तरफ लाना, हमको ये वाले वायर लगाने हैं, ये वाले वायर। तो यहाँ पर S1 और S2 कौन से जगह लगाना है, ये इस जगह लगाने हैं जहाँ पर कॉन्टेक्टर ऑन हुआ था, यहाँ पर हमको दोनों वायर को लगा देने हैं। तो मैं दोनों वायर को लगा देता हूँ एक बार। तो मैंने यहाँ पर देखिए S1 और S2 यहाँ पर लगा दिया है जहाँ पर हमने शॉर्ट करने पर ये कॉन्टेक्टर ऑन हुआ था। अब हमारे पास दो वायर और बचे हैं C1 और C2, ये कहाँ पे हमको लगाने हैं, ये हमको लगाने हैं इस स्विच के नीचे वाले पर जहाँ पर कंडेंसर का सप्लाई आता है, जहाँ पर हमें शॉर्ट करने पर कॉन्टेक्टर ऑन नहीं हुआ था उन वायर पर ये C1 और C2 लगाना है। तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे ऑटो स्विच का कनेक्शन है वो कम्प्लीट हो चुका है। अब देखिए C1 और C2 हमको कंडेंसर वाले सप्लाई पर लगाना है और हमने आपस में शॉर्ट किया था तो कॉन्टेक्टर है वो ऑन हुआ था जहाँ पर हमने S1 और S2 को लगा दिया है। तो अब बारी आती है स्टार्टर को टेस्टिंग करने की। तो चलो हम पावर में लगाते हैं। तो मैं यहाँ पर पावर में लगा लेता हूँ, पावर में मैंने लगा दिया है। अब हम क्या करने वाले, ऑटो पे सेट कर देते हैं। तो ऑटो पर मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पर जैसे ही ग्रीन बत्ती होगा ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा। तो एक मिनट का वेट करना पड़ेगा हमें। एक मिनट का टाइम लगेगा इसमें। अभी इसमें बत्ती नहीं आ रहा है, बत्ती आते ही कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएगा।
तो ये ऑन हो चुका है, कॉन्टैक्टर ऑन हो गया है और यहाँ पर ग्रीन बत्ती आ गया है, तो मोटर हमारा चालू हो गया है। तो इसी तरीके से सिंगल फेस ऑटो स्विच का कनेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।